नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अली मोहम्मद गांव की देख रहे हैं। यहां आए हैं और एक अजीबोगरीब मामला आपके सामने आया है कि जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि अध्यापक है वो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे गुणवान बनाएंगे, सामाजिक तौर पर अगर बात करें तो अच्छे नागरिक पैदा करेंगे, लेकिन यहाँ तो खुद जो टीचर हैं, स्कूल स्टाफ है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक कबूलनामा भी लिखा गया है। उस कबूलनामे को अगर आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो भी आप अचरज करेंगे कि कबूलनामा ये कहता है कि भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार की जो आधी राशि है, भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा है वो 3 लाख रुपए का लगा है, लेकिन उसमें से 1,60,000 रुपए मतलब स्कूल वाले जो अध्यापक और प्रिंसिपल है वो देना भी चाहते हैं। पूरा मामला कैसे क्या है उस पर भी हम चर्चाएं करें। हमारे साथ जो धर्मपाल जी हैं जिन्होंने शिकायत की थी उनसे जुड़ेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। धर्मपाल जी, थारे स्कूल से आके लागो देखो। मैं तो SMCU प्रधान हूं जी पहले। अच्छा, फिर 3 लाख रुपए ग्रांट का आया। अच्छा, तो हां के काम करे मैंने कमेटी को पूछो। अच्छा, पैसा लगा दिया। अच्छा, बिंग बाद में मेरे दिन फोन करे, मेरी कमेटी बदल गई। बिंग बाद में फोन करे मारे कहने कभी थे साइन करके जाओ। सतपाल जी मस्त है वो। अच्छा, तो सुबह सुबह शाम ने दोनों तीन टाइम वो अपने करते रहे हो। मैं करेंगे दरखास्त लगा दिया। मैं दरखास्त लगा भी साहब का जी मैं तंग कर लगा। काम क्यों हो 3 लाख वो मेरे को जी के काम हो अपन मेरे को बता दिखाओ। मैंने दिखाओ कौन की के हो या के ना। अच्छा, मैंने मेरे को। अच्छा, फिर मैं जांच करना आया। जांच जूच करके चले गया। बोले 30-35 हजार काम हो जिससे देख लियो। बोले प्रस्ताव देखो आगो। अच्छा, कद गुबनेड हो। मैं रमेश जी बाजू आ सोड़ा अपने चौपता वो प्रिंसिपल है। बस देखो 23 जुलाई को बनाया प्रस्ताव। अच्छा, दूसरा बनाया 6 जून को, तीसरा फिर 8 जुलाई को। बीओ साहब बोले घना पढ़े लिखे होते तो एक ही काम का तीन प्रस्ताव। अच्छा, 23 जुलाई 8 बनाया क्या प्रिंसिपल का बनाया डाकिंग का बनाया मैं कोई मास्टर का प्रिंसिपल का मेरे को नहीं। अच्छा, हां बात है। तो फिर भी शिकायत करी बाद में क्यों हो? शिकायत करे बाद में जांच करी। फिर मैं 9 तारीख को फैसला हो गया। मैं बीसी मंडो लगा दी। अच्छा, 9 तारीख को फैसला भी खान पीछा दे दूंगा। मैं पीछा दे किन देखन के या बात है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल था बोले। प्रिंसिपल ने पूछो भी साहब काम सही हो गया के? अच्छा, प्रिंसिपल बोले ना सही को नहीं रो। अच्छा, गफलो का गफलो है जी। अच्छा, खाए कने बम ने मेरे को नहीं आगे खात हो गया है। खात हो गया। अच्छा, फिर वे 1,60,000 रुपये में गच्छो तले वो किया है वे कौन है वे रुपये है कि ना? मैं तो कह सरकारी में दे दियो खजाने में बोले स्कूल में लगा दियो। अच्छा, स्कूल में लगाने के एक जेबटी मार मास्टर सबसे तो को ठुक रहे है ना आईडिया आप एक नु खाईडिया दी है। अच्छा, 80,000 प्रिंसिपल दिया। अच्छा, 50,000 रुपये अपने सतपाल दिया। अच्छा, 31 हो गया। बोल 30,000 रुपये कल दे देंगे। अच्छा, दे दिया नगद? नगद दे दिया भी खाता में जमा करा दिया। अच्छा, किनी खाता में सरकार का करा दिया क्या? जेबटी मास्टर एक मास्टर का करा दिया। बोले बिल्ली ने दूध गिर खाली बिल्ली छोड़ दी। बिल्ली छोड़ दी। अच्छा, 4-5 दिन बाद में वो तो बीओ साहब आया। वो भी वो कह रहे हो साहब के कर बेचारा मेरे को साइन करा लिया। अच्छा, अनपढ़ आदमी हो ठीक है मारो राज पे हो गयो आराम भी पैसा पुठा ले लिया वो सो दो है ठीक। तो एक और एक सवाल ठीक है एक सवाल और है मतलब चाहो क्यों थे के करो ही होगा मैं सो पैसा पुठा मिलना चाहिए। अच्छा, सरकार का खजाना खजाना। अच्छा, तो ऐसा जगह मान लो ऐसा भ्रष्ट आदमी बैठे है मतलब आप भ्रष्टाचार को आरोप लगाया मास्टर पर तो ऐसा लोग है के टावरन पढ़ावे फिर पुलिस में पर्चो दिया या दवा देने खतर है। अच्छा, मेरे पर है मेन पल पर। अच्छा, मामलो है जी विद्या मंदिर में पढ़ेड़ा तमसो माँ ज्योतिर्गम्य अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरुजन होते हैं और आज भी जब यहाँ से गुजरते हैं अपने पैरों पे खड़े हैं स्कूल ने सब कुछ सिखाया है लेकिन विद्या मंदिर ने वर्तमान पिछले 6-7 महीना अठा दलालों को एक अड्डो बना दियो। स्कूल के मुख्य है प्रिंसिपल साहब बड़े रिस्पेक्टेड सर हैं स्कूल में शराब भी के आते हैं कई बार करते क्या है रजिस्टर खाली पड़ा रहता है कहीं भी जाते हैं मूवमेंट रजिस्टर नहीं भरते हफ्ते में 2 दिन आते हैं 3 दिन आते नहीं रजिस्टर खाली पड़ा रहता है और 4th दिन हाजिरी भर के गवर्नमेंट 1,60,000 से ऊपर मुखिया जी को तनख्वाह दे रही है बच्चों का भविष्य निर्माण के लिए। ये बाला योजना के तहत धर्मपाल जी ने जो अप्लीकेशन लगाई हम पिछले लगभग 1 साल से लगे हुए हैं 1 साल से ये मुहिम चल रही है हमने बड़े डायरेक्टर तक इसकी इंक्वायरी करवाई है दोषी करार दे दिया उनको लेकिन उसके बावजूद
भी कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। अब ये इतने बड़े चोर हैं, ये देखो जब हमने इन्हें अप्लीकेशन दी थाने में, किसी से पूछना मेरे ऊपर और धर्मपाल जी पे थाने में अप्लीकेशन दिया है कि हमारे पर दबाव बना रहे हैं। थाने वाले ने इनको पूछा जी FIR क्या दर्ज करें, कुछ आपको उन्होंने कुछ बोलिया, कह जी तबादले के दबाव बनाओ, हमने सिर्फ इंक्वायरी करवाई थी। अगर मैं अगर आपका 1,60,000 रुपए से भी पेड़ नहीं भरता तो ये जो बच्चे हैं इन बच्चों की बद्दुआएं लगेंगी, विद्या का मंदिर है। इसके बाद जब इंक्वायरी की गई इसकी तो इन्होंने 3.25 लाख में से मात्र 20,000 रुपए खर्च किए हैं, लगभग 3 लाख रुपए ये जो दलाल हैं वो दलाल खा गए। और एक कोटली में साइंस टीचर, उसकी प्रिंसिपल के बेटे ने खुद ऑडियो वायरल की है वो, और उसमें ये खुद कह रहे हैं डायरेक्टर तक सेटिंग है हमारी, एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर का हमारी सेटिंग है, मैं खुद बजट लेके आया हूँ, वो ये कह रहे हैं। और फिर उन्होंने जब यहाँ पे बीओ साहब आए, इंक्वायरी की, आपको बकायदा वो लेटर देंगे जिसमें इन्होंने खुद बीओ साहब ने रिपोर्ट की है। इन्होंने, हमने सामाजिक तौर पर धर्मपाल जी जैसे गए थे, इन्होंने कहा जी 3 लाख रुपए का गबन है, ये सरकारी खाते में जमा होने चाहिए। तो सामाजिक तौर पर यह बात कही गई, कह जी 3 लाख तो कौन खाया, तो जी कह जी इन्होंने कहा जी हम 1,60,000 रुपए दे देंगे, आधा दे दिया। हमने कहा 3 लाख 3 लाख दो, ये बोले 1,60,000 रुपए दे देंगे। हमने कहा भी वो सरकारी खजाने में जमा करा दो। इन्होंने वो धर्मपाल जी जैसा बता रहे हैं 1,60,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए। अब पता नहीं इसमें कितने के दलाल इकट्ठे हो रहे हैं, कोई JBT मास्टर है, प्रिंसिपल साहब ने ऑन द रिकॉर्ड है वो बात, आप अकाउंट चेक करवा सकते हो, वो उनके खाते में डाल दिए 1,60,000 और 5 दिन खाते में रहे, 5 दिन बाद उन्होंने प्रिंसिपल के खाते में डाल दिए। हमारे तो ये सुनने में आया, अब पता नहीं कोई बंदर बांट हो रही है या तो 3 लाख की सेटिंग नहीं हो रही, बांटते कैसे। अब हम तो बच्चों को नए दिलवाना चाह रहे हैं, ये 3 लाख रुपए खुद के समझ नहीं आ रही भी इनको बांटते कैसे। तो हमारी तो मीडिया के माध्यम से यही निवेदन है सरकार से कि हमारे एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर तक को, एक साइंस अध्यापक है उसके द्वारा उसकी ऑडियो है वायरल हो रही है, ऑडियो आपके पास भी होगी। बीओ का दिमाग ठीक नहीं है, डायरेक्टर तक मेरी सेटिंग है, ऊपर से है, आपका इसे कोई लेना देना नहीं है, ये 5-4 दिन शोर मचा के बंद हो जाएंगे। ये बच्चों के भविष्य की लड़ाई है और ये लड़ाई है मरते दम तक लड़ेंगे इस न्याय के लिए। मैं मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे शिक्षा मंत्री जी से और आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों से कि इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए और न्याय दिलाया जाए, और जो काली भेड़े हैं गाँव की, कुछ काली भेड़ भी इसमें शामिल है, उनको भी उसके अंदर घसीटा जाए, और जो जितना जो जिम्मेवार है जिसने जो दंड उसको दंड दिया जाए। अब ये कह रहे हैं जी 1,60,000 रुपए सरकारी खाते में हम जमा करा देंगे, 3 लाख 1,60,000 क्यों जमा कराएं, इन्होंने 3 लाख 1.5 साल पहले MB भर के दे दी। अगर 1,60,000 रुपए ये दे रहे हैं तो मतलब ऐसे तो आदमी कोई सरकार का करोड़ का बजट खा जाएगा। सरकार को जब पता लग गया बोलो जी लो आपके करोड़ रुपए वापस मुझे छोड़ दो। इन्होंने जो गुनाह किया उसकी सजा अलग से मिलनी चाहिए, हमारा ये निवेदन है मीडिया के माध्यम से, और ये पैसे ऑन द रिकॉर्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब BJP की जो सरकार वो कहती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, पारदर्शी सरकार है, अब विद्या का मंदिर होता है जहां से हम बच्चे को संस्कार देते हैं, हमारे देश का निर्माण होना है, वहां पे ऐसे अध्यापक हैं जो शराबी कहते हैं, जो स्कूल में फरलों पे रहते हैं, कोई अगर आवाज उठाता है उनके खिलाफ तो उसके खिलाफ ये पर्चा दे देते हैं, राजनीतिक दबाव बनाते हैं। और वो अध्यापक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस दिन अगर निष्पक्ष अधिकारी कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट या उसके अलावा को जांच करे, मैं बता दूं हम जब कहीं मिलते हैं हमारे पैर पकड़ के खड़े हो जाते हैं, हमें माफ कर दो। गलती किसकी हो, अगर गलती है उसकी माफी हो सकती है, गुनाह की माफी नहीं मिलेगी। अगर चाहे हमें हमारी जान को भी खतरा है हमारे ऊपर, पहले रिक्वेस्ट की उसके बाद धमकियां भी दिलवा रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे। अगर कल को मेरे साथ धर्मपाल जी के साथ या गांव के और किसी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना होती है तो उसके लिए ये जो दलाल है अध्यापकों के नाम पर कलंक है। मेरा नाम इंद्रा सिंह है जी। इंद्रा सिंह जी, एक मामला है, सारी सही बातें बिल्कुल सही बात हो रही है, सुनने में नहीं आया, ये हकीकत है। ये बात दिन प्रतिदिन साइंस टीचर है कोटली में, ड्यूटी उसकी ड्यूटी तो उसकी कोटली में ड्यूटी करता नहीं, पंचायत का काम करता है, उसका आदर है, वो सरपंच है, उसका नजायज फायदा करते हुए गांव के अंदर नई दिन रोजाना नई नई का पेंट करवाता है, पंचायत की बोली होती है उसके अंदर, पट्टा किसी के नाम है 6,000 रुपये उन्होंने पैसे जमा करवा रखे हैं, पट्टा नाम करवा रखे हैं 3,000 रुपये देगी, अपने भाई भतीजे के नाम है 32 किले 32 की 32 में से 9 किले दूसरों के नाम, और बाकी 27 किले गुगन सरपंच है उसके भाई भतीजा के नाम है, अकेले के नाम, जबकि पैसे उसने चार्ज कर रखे 6,000 रुपए मेरे 15 आदमियों के नाम से मैं एफिडेविट दे सकता हूँ सरकार चाहे तो, और उन्होंने 3,000 रुपए दे के पट्टा अपने भाई अपने निजियों के साथ कटवा रखे, इस चीज पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए।
हमारे साथ जो अलीमोम का जो आप मामला देख रहे हैं, अलीमोम स्कूल से जुड़ा हुआ, जिसमें अखबार ग्रामीणों से हमने बातचीत करी है। अब हमारे साथ जो स्कूल मुखिया हैं वो जुड़ेंगे, उसके बाद बीओ से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार स्कूल मुखिया से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे ये मामला है, कोई बाला गारंट आई है, हाँ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उसमें मतलब है कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? ग्रामीणों ने लगाया कि इसने पर्सनल आदमी ने लगाया है, एक गांव के एक व्यक्ति ने लगाया है, धर्मपाल, और उसके साथ नैनपाल दो लोगों ने लगाया है। नहीं, मेरे पास तो इंक्वायरी आई थी, उसमें एक का आदमी का ही नाम था, बस धर्मपाल का। चलो, आपके आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या आरोप लगे हैं? आरोप ये लगे हैं कि जो बाला की ग्रांट आई थी वो आपने सही तरीके से सही उस पैसे का सदुपयोग नहीं करा। नहीं, हमने सदुपयोग किया, जिस काम के लिए आई थी वो काम करवाया है। हाँ। एक सर, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक आपके बेटे हैं और एक गांव के सरपंच का बेटा है जो टीचर है, उन द्वारा जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखो, सरपंच ने किससे बात करी है, मेरे बेटे से करी है, उसका मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है। तो सर, जिस तरह से बीओ से आपकी बातचीत हुई है, 1,60,000 रुपए कोई देने की बात हुई, एक लेटर नहीं जारी हुआ, क्या कुछ? 1,60,000 का कोई लेटर जारी नहीं हुआ मेरे पास, और जितना भी काम करवाया है, जिस फर्म से करवाया है, हमने उसको पूरी पेमेंट कर दी है, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आए? स्कूल की तरफ से क्या कुछ डिमांड की गई थी, क्या रेजुलेशन दिया गया, क्या प्रस्ताव दिया गया था, कब कब दिया गया था? प्रस्ताव दिया था अपन कोई बाला ग्रांट का, मेरे ख्याल से डिमांड नहीं की थी हमने। अच्छा, ऊपर से ऑटोमेटिक आया? हाँ। और वो फिर सर किस प्रोसेस से आपकी अगर टेंडरिंग हुई है या पर्सनल आपने आपके यहाँ तक में टेंडर नहीं, वो ऐसा होता है जो भी फर्में होती है कोटेशन देती है अपनी अपनी, तो उनमें से जो कोटेशन का मतलब लोएस्ट वैल्यू की होती है उसको देखते हैं। ये जो आप बातचीत सुन रहे थे अली मोहम्मद के गांव के लोगों द्वारा, जिन्होंने शिकायत करी थी, और प्रिंसिपल जो यहां का है मुकेश कुमार, उस द्वारा। अब इस मामले में नया मोड़ यह है कि एक हमारे पास पत्र है, उस पत्र में लिखा हुआ है, सरकारी कागज पर यह लिखा गया है कि 1,60,000 रुपए गबन राशि है वो स्वीकार प्रिंसिपल ने कर ली है, और अगला काम है कि वो सरकारी या सरकारी कोष में या विभाग के पास जमा करवाएं। अब मामला ये है कि ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो भ्रष्टाचारी कौन होगा जो सरकारी विभाग में जाकर पैसे जमा कराएगा? मामला बड़ा अजीब और गरीब है, ये पूरा आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा, हम पूरी जानकारी आपको समय समय पर इस मामले की देते रहेंगे। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे, मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।